भैया हाँ? 203 यही है ना? यही है। लेकिन ये बंद क्यों है? ये खुला ही कब था? मतलब ये खुला ही कब था? क्यों, क्या हुआ? मुझे काम देंगे बोला था इसने। कितने का बकाया बनाया तुझे? मैंने बहुत मुश्किल से 2 लाख रुपए दिया। बताया क्या था उन्होंने? हेलो हेलो, आप भागीरथ बात कर रहे हो क्या? हाँ यस। भागीरथ, मैं विक्रम प्रोडक्शन से बात कर रही हूँ, पूजा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भागीरथ। क्यों मैम? एक्चुअली मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि आपका एक प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। एक मूवी बन रही है जिसमें टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी लीड में है। सो टाइगर श्रॉफ के जो फ्रेंड का रोल है उसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। सच में मैम? सच में। सो इसकी जो शूटिंग है ना भागीरथ, वो 25 अगस्त से स्टार्ट होगी, तो उससे पहले आप मुंबई पहुँच जाइए। हाँ मैम, मैं आ जाऊँगा, मुंबई में आ जाऊँगा। और भागीरथ, आपके पास आर्टिस्ट कार्ड तो होगा ना? आर्टिस्ट कार्ड तो नहीं मैम, लेकिन आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है? आर्टिस्ट कार्ड ना एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोडक्शन हाउस बना के देगा। मतलब आप मुझे वो भी बना के दोगे? हाँ। सो भागीरथ, हमारे कुछ टर्म्स है। कैसे मैम? सो इसके लिए आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। कितना करना पड़ेगा मैम? 10,000 रुपये। हाँ मैम, मैं करूँगा, एडजस्ट करूँगा कुछ तो। ओके, सो मैं आपको जो भी डिटेल्स है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ। हाँ मैम, कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। बाय भागीरथ। बाय मैम। क्या हुआ? मेरा सिलेक्शन हो गया मूवी के लिए। क्या? हाँ, अभी तो कॉल आया था ना। मुंबई से कॉल आया? हाँ मुंबई से। कौन से मूवी के लिए? को नाम तो नहीं पता है। चलता कुछ भी बोलता रहता। अरे सच में, अभी तेरे सामने तो बात की ना मैंने। मैं कैसे यकीन करूँ? कैसे, उन्होंने जो व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है वो देखेंगे, मुझे उनसे पूछता हूँ। अरे सुन ना, ये बोल रहा है उसकी सिलेक्शन हो गई है। सुबह से कोई नहीं मिला क्या चुतिया वाला? अरे सच में, अभी कॉल आया था यार। अरे भैया क्या बोला? अरे बोला क्या उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम्हारा मूवी के लिए सिलेक्शन हुआ है, अभी कॉल आया था, मुझे निकलना है 2-3 दिन में। अरे इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी की सारी बेवकूफ होती है। हां झूठ मत बोल, एक बार कॉल करके पूछ उसको। एक मिनट, तुझे सुबह नहीं ना। हेलो, तो ये कह रहे हैं बस। हां भागीरथ बोलो। हां मैम, मैंने ना मेरे दोस्तों को बताया तो वो बोल रहे सब झूठे, कुछ आप कुछ प्रूफ होगा तो भेजिए ना मुझे। हाँ, आपका एग्रीमेंट भी बन गया है, तो आप चाहो तो मैं उसका कॉपी आपको सेंड कर देती हूँ। मुझे भेजिए मैम जल्दी। ओके, क्या बोल रहे हो? रुक दो मिनट, रुक, उसका एग्रीमेंट दे। ये देख एग्रीमेंट भेजा। हाँ, अभी तो देखो। रुकना ना, मुझे भी अब तो लेकिन आया ना। रुक, मुझे अब तो मैं बड़ा स्टार बनूंगा, मुंबई में जाऊंगा, मुंबई में। मुझे छोड़ के चला जाएगा? नहीं यार, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। तो कैसे जाएगा? बाद में फिर क्या। फाइनली तेरा सपना भी पूरा हो रहा है ना। हाँ। जल्दी से मेरे घर पे आके बात कर लेना। हाँ तेरे घर पे आऊंगा, तेरे पापा बहुत देर कर देते ना, मना कर देते ना, अब देख कब खुद आएंगे हमारे सामने। हम लोगों को तो नहीं भूल जाएगा? नहीं यार, तुमको भी नहीं, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तुमको नहीं। तो इसका मतलब तू भी जाने वाली है इसके साथ? हाँ वो भी आएगी मेरे साथ। ये भी हीरोइन में अपने साथ लेके जा रहा है। हाँ फिर ये, लेकिन पहुँचते ही मुझे कॉल करते जाना, ठीक है? हाँ कॉल करूँगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा पूजा, आज का कलेक्शन कितना हुआ? आज का कलेक्शन से ज्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक बंदा है, उससे मैं 2-3 लाख तो निकाल ही लूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। जब तक इन लड़की लड़कियों का एक्टर बनने का सपना जिंदा रहेगा, तब तक अपना ये धंधा चलता रहेगा, समझ गई ना? सर, सर वो जो प्रियंका चोपड़ा के साथ में फिल्म बनानी थी जिसमें मेरा रोल था, उसका क्या हुआ सर? अरे वो फिल्म में मेरे भी कुछ पैसे अटके पड़े हैं, हो जाएगा वो काम।
सर मैंने अपने पापा के रिटायरमेंट के 10 लाख रुपए आपको दिए थे सर। एक महीने से मैं यहाँ पे हूँ, वो सोच रहे हैं कि क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उन्हें लग रहा है मैं फिल्म बना रही हूँ। घर पे पैसे भी तो भेजने होंगे ना सर। कम ऑन बेबी, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना सर। मतलब ऐसे कैसे चलेगा ना सर। अरे हमेशा लिखती रहती हो। अच्छा ये पता, तो बड़ी खुश लग रही है। कुछ तो होगी ना यार, मेरी भागीरथ के बाद जो है भागीरथ। इस हंसी वाली क्या बात है सर? सर सर सर, पता नहीं क्यों जब भी तू उसका नाम लेती है ना तो मुझे एक अजीब सी हंसी आती है। भागीरथ दिखने में भी एक मिनट, मेरे उसके नाम से, उसके शक्ल से, उसके रंग से इसे प्यार नहीं किए? मैंने तो उससे प्यार किया है ना यार। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब गुस्सा क्यों होती है? पहले बड़ी बात तो बता। अरे हाँ यार, मैं भूल ही गई थी तुझे बताना। हाँ बता। आज ना प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था, उसको टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने का मौका मिला है यार। सच में? हाँ। ओह वाओ, मेरे सामने ही आया था कॉल। सच्ची? हाँ ना यार। सच्ची है, बड़ी बात है यार। बहुत बड़ी बात है। सुनना यार क्या हुआ था पता है? परसों मेरे पापा ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। बहुत चिल्ला रहे थे पापा, लेकिन अब जब उसको बड़े पर्दे पे देखेंगे ना, मेरे पापा बोलेंगे वाओ क्या बात है सुनीता। सच्ची तो मैं भी बोलूँगी वाओ क्या बात है सुनीता, तुम्हारा भागीरथ और तुम परफेक्ट मैच। अभी भी परफेक्ट ही है, हम लोग कुछ भी बोलती रहती है। अभी परफेक्ट नहीं है। हाँ है हम लोग परफेक्ट। अच्छा ठीक, चल छोड़ इसी बात पे, तू मुझे कॉफ़ी पिलाने वाली है ना? ठीक है चल 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 ठीक है। भागीरथ आपने अभी तक वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया? मैम कर दिया, मैम भी कर दिया डिपॉजिट। करवा दिया है? एक सेकंड में चेक करती हूँ। हाँ आ गया है मैसेज, अभी किया ना? हाँ मैम। वो जो आपका रोल है ना टाइगर श्रॉफ के साथ, तो उसमें का जो एक फ्रेंड है ना, वो एकदम बेस्ट फ्रेंड का रोल है। ज्यादातर सीन ना उसके साथ ही है, तो मुझे लगता है कि ये रोल आप बहुत अच्छे से कर लोगे। हाँ मैम कर लूंगा ना, क्यों नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है ना भागीरथ, उसने प्रोड्यूसर को कहा है कि वो उसे 1.5 लाख रुपए देगा। मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर उसे ही वो रोल देगा। अगर भागीरथ तुम अगर 2 लाख रुपए अरेंज करते हो ना, तो मैं तुम्हारी बात आगे बढ़ाती हूँ। मैम दूंगा ना मैं 2 लाख रुपए दूंगा, देता हूँ। ओके तो मुझे आज जल्दी इन्फॉर्म कर देना। हाँ मैम कर दूंगा कर दूंगा। चल जाने दे भाई, क्यों रो रहा है? हम भी तो इतने साल से यहाँ पे लगे हुए हैं यार। क्या हुआ? 2 लाख का चंदा और फिल्मों में काम। बेटा सुन, रो मत, रुक जा। कहाँ से तू? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से तू? अच्छा यहाँ पर कोई था ना, प्रोडक्शन हाउस था कोई? हाँ सर। क्या बताया था तुझे? फिल्मों में काम देंगे। फिल्मों में काम देंगे, किसी बड़े एक्टर के साथ तू रोल करेगा, यही सब बताया था तुझे? हाँ। और तूने मान लिया? कैसे लोग हो यार तुम। औरंगाबाद में बैठे बैठे तुझे एक फोन आता है, फोन पर बोला जाता है कि तुझे फिल्म में काम मिल गया, बड़े स्टार, किस स्टार का नाम लिया था? टाइगर श्रॉफ। उसके साथ तुझे काम मिल गया और तू मुंबई आकर पैसे भी लिए कुछ? 2 लाख का चंदन और तुम लोग मान लेते हो? ये जो एक्टर्स है, ये एक्टर्स यहाँ पर एक्टिंग सीख रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, सालों साल से घिस रहे हैं, उसके बाद छोटा मोटा काम मिलता है। और कोई बहुत टैलेंटेड होगा तो वो कहाँ के कहाँ निकल जाता है। और तुम लोग घर पे गांव में बैठे बैठे सोचते हो यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा? एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म के लिए किसी को इंस्टाग्राम से फोटो देख कर सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए सबको कर लेगी। इस हीरो ने उस प्रोडक्शन में पैसे देकर काम किया और वो स्टार बन गया, तू भी बन जाएगा? इतना इजी है क्या, हलवा है क्या? ये एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मुंबई में घिसना पड़ेगा। ये लड़का जानता है, ये यहां पर एक्टिंग सीख रहा है। कुछ नहीं आता उसको, डायलॉग बोलना भी नहीं आता, लेकिन समझ रहा है, सीख रहा है, अपने ऊपर मेहनत ले रहा है। तो ऐसे लोग क्यों दुकान शुरू करते बंद करते पता है? क्योंकि तुम जैसे
हजारों लड़के लड़कियां सिर्फ इसी उम्मीद पर बैठे रहते हैं कि बगैर कुछ किए हमको काम मिल जाए, और उसी का फायदा ये फेक लोग उठाते हैं। हाँ बेटा, स्कूल का एक बच्चा फेल होता है, स्कूल खराब नहीं होती, ये बॉलीवुड खराब नहीं है, इंडस्ट्री खराब नहीं है, प्रोडक्शन हाउस खराब नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर खराब नहीं है, कुछ लोग खराब है, समझा? और उन सालों की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। और तू शॉर्टकट जो मारने का तेरा इरादा था उसकी वजह से लेट हुआ, वो तुझे लेट हुआ। तेरे पिताजी क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। तेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं बेटा, सब्जी। जानता है तू सब्जी बेचना क्या होता है? रोज सवेरे उठ के 3 बजे 3:30 बजे मार्केट जाते होंगे, सब्जी लेते होंगे, उसके बाद वो गाड़ी पर सब्जी लगाते होंगे, दिन भर बेचते होंगे, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, और जो पैसा जमा किया वो तुझे दिया होगा। तूने बस एक फोन पर ना ऑफिस देखा, ना लोग देखे, अरे फेसबुक से प्रोफाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम से प्रोफाइल उठाते हैं और बोलते हैं तुम्हें फिल्मों में काम मिल गया, और तुम लोग यकीन मान लेते हो? ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर। ऐसे कितने सारे लोग आते हैं यहाँ, आए दिन दुकान बदलते रहते हैं यार, कभी ये दुकान तो कभी वो दुकान तो कभी वो दुकान। इन चक्करों में मत फंसो, अपने आप को तैयार करो, और लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो मेहनत करो, तब बात बनेगी, शॉर्टकट नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारी 7 पुश्तों में जितना कमाया नहीं होगा किसी ने उतना कमा के देगी, लेकिन कब? जब तू अपने खेल का मजबूत खिलाड़ी बने। अब रो मत और डटकर मुकाबला कर इस सिचुएशन का। रहने का क्या बंदोबस्त है तेरा? मुंबई में किसी को नहीं जानता। तेरे रूम पर कौन है अभी? एक लड़का हो सकता है एडजस्ट? हाँ, हो जाए। आज 1-2 दिन इसके रूम पर रहे और घर पे बात कर माता पिता से, अगर प्रॉब्लम है तो मेरी बात करवा, और पहली फुर्सत में घर पे जा, पढ़ाई पूरी कर, अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर, और उसके बाद मुंबई आने का सोच, समझा? चल दोस्तों, जो भागीरथ के साथ हुआ वो अगर किसी के साथ ना हो ऐसा आपको लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, एक्टिंग के रिलेटेड आपके दोस्तों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड करना ना भूलिए। अरे आपने तो फंसाया था इसको। अरे ऐसा ना। बाय बाय बाय।